What's up guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. So ये जो पोर्ट्रेट है ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक होने वाली है और इसको मेरे को कंप्लीट करने में पूरे 7 days लगे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मैं फास्ट करूँगा क्योंकि एवरीडे 1 hour का एटलीस्ट वर्क होता था, तो इसलिए टाइम लैप्स 32 times है. और कॉफ़ी पेंटिंग ही है ये पिक्चर, मेरे को मिली है गूगल से एज यूजुअल. और अभी ये जो आई वाला पार्ट है वो चल रहा है. शेड्स में इस बार आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं 3-4 बार से आपको शेड्स बता दिए मैंने कि कैसे बना रहे. रेगुलर ही शेड्स हैं, उसमें बस 1-2 variations अपन करेंगे. और गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और एकदम आराम आराम से करेंगे, जो टाइगर का जैसा पोर्ट्रेट था उससे भी ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रेट बनाना है ये कॉफ़ी में. तो आराम आराम से एक एक स्ट्रोक देंगे ताकि ज़्यादा जो है वो गड़बड़ ना हो. और गाइस बीच में जो थोड़ा फर का लुक है तो वाइट टाइप सा लुक करने के लिए मैं वाइट सॉफ्ट पेस्टल का भी यूज़ करूँगा. तो अभी जो है वो ब्लैक स्ट्रिप्स बनाई मैंने और आइस का पार्ट चल रहा है अभी. और गाइस प्लीज़ डू लाइक ना सब्सक्राइब एंड शेयर ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए. और गाइस 150 या फिर 200 सब्सक्राइबर्स पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो है ये कैसे मैं शूट और ये सब करता हूँ. तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी प्लीज़ 150 या 200 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए. और लेट्स सी, तो ये जो माउथ के ऊपर का जो हेयर वाला लुक है वो वाला भी क्रिएट कर रहे हैं. और हो सकता है शायद पीछे कुछ आवाज़ आ रही हो ना मेरे बैकग्राउंड से, तो नेवर माइंड. और ये मैं आपको बता दूँ ये मेरा 2nd day है, ये भी 2nd day मेरा ओवर होने वाला है. और अभी भी मैं 3rd day में आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा 3rd day. तो इसको और ज़्यादा लुक देंगे भी क्योंकि जितना ज़्यादा उसको लुक देंगे उतना ज़्यादा और अच्छा रियलिस्टिक लगेगा. और गाइस ये है 3rd day, अपन 3rd day में एंटर कर चुके हैं. तो 3rd day में मेनली सिर्फ जो टीथ का और माउथ के अंदर का पार्ट है वो करेंगे और उसको डिटेलिंग्स देंगे जितना ज़्यादा हो सके. और ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है बाहर के जो दोनों टीथ होते हैं उनका, ताकि क्योंकि जो शार्पनेस है वो ना हर टीथ में आनी चाहिए, तभी वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड टाइप सा लुक आएगा जो लाना भी है. और गाइस जो डिटेलिंग्स है वो उस पर अभी धीरे धीरे कर कर जैसे जैसे ध्यान पड़ रहा है बीच बीच में हम स्विच करते रहेंगे. जैसे अगर कोई हेयर वाला पार्ट कर रहे हैं और माउथ में कुछ डिटेलिंग्स दिख जाए तो पहले अपन वो कर लेंगे ताकि वो मिस ना रह जाए. तो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो ये वीडियो में. और आपको अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते तो मैंने एक पोल भी करी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँ, तो आपने 4th ज़्यादातर लोगों का आया तो इसलिए आई एम अपलोडिंग इट ऑन 4th. एंड गाइस ये प्रीमियर शायद से नहीं होगा क्योंकि ना प्रीमियर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी मेरे यूट्यूब में, तो इसलिए शायद से अपलोड होगा ये वीडियो. पर ना 12 AM फिक्स ना 12 PM सॉरी वीडियो फिक्स अपलोड हो जाएगा. और ये है हमारा day 4, तो ये day 4th में सिर्फ ऊपर का ईयर और ऊपर के जो बाल हैं उनका लुक आए उनके लुक अपन करेंगे.
बैकग्राउंड करने के बाद जो फर है जो एंड का वो फिनिशिंग है वो मेरे को सॉफ्ट पिस्टल से करनी पड़ेगी, और सिर्फ मैं वाइट सॉफ्ट पिस्टल यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। और गाइस मैं कब से सोच रहा था, जो मैंने रॉक वाली जो अभी जो लेटेस्ट मैंने वीडियो डाली थी तो उसके जस्ट बाद मैंने वर्क शुरू करा था, और इसलिए दैट्स व्हाई यू नो द वर्क अभी लेट हो चुका है वीडियो पर। कोई बात नहीं, एकदम जो एंड की जो डिटेलिंग्स हैं उन पर अपन एकदम लास्ट में एज यूजुअल यू नो फोकस करेंगे ताकि अच्छा रहे। और ये मेरा ना सजेशन है कि जितनी ज़्यादा अपन लेयर्स पे लेयर्स करते जाएंगे उतना ज़्यादा वो लुक आएगा। ये ईयर का पार्ट हो रहा है अभी, और मैं बता दूं ये अभी हमारा डे फोर्थ ही चल रहा है, और ये है हमारा डे फिफ्थ। तो फिफ्थ डे में हाफ बॉडी होगी इसकी, पूरी बॉडी अपन नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे सब काम। तो मेन जो है वो जो लुक है वो ऐसे इसी बॉडी से जो है वो आपको आधा अंदाजा तो लग ही जाएगा कि कैसा टाइप से होने वाला है, और हो सकता है एक फ्रेम में पूरा ना आ रहा हो क्योंकि अभी मेरा जो ट्राइपॉड है वो भी अभी सही नहीं है, लाइक कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो ट्राइपॉड को, तो इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग विद सम अदर डिवाइस, एंड जो होता है देसी जुगाड़ उससे रिकॉर्ड हो रहा है अभी ये वीडियो, तो हो सकता है पूरा ना आए, तो सॉरी फॉर दैट। एडिटिंग पर मैं अभी इतनी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो देख तो आगे मेरे से अगर हो सकेगा तो मैं एडिटिंग पर और ज़्यादा फोकस करूँगा। ये जो हेयर वाला पार्ट है वो ही चल रहा है, और अभी तक डे फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ डे में पूरा बॉडी होगा, और सेवेंथ डे में जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड अपन कंप्लीट कर लेंगे, और फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट शो करूँगा। जैसा कि अब मैं पीछे हेयर का पार्ट कर रहा था, और बीच में मेरे को माउथ में अगर आपने ध्यान से नोट कराओ तो ब्लैक टाइप का और ज़्यादा डिटेलिंग देखा, तो पहले मैंने वो कर लिया ताकि मिस आउट ना हो वो चीज़। और जैसा कि मैंने बोला था टाइगर वाले पोर्ट्रेट में कि सूखने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए ना जो अलग अलग पार्ट से अलग अलग टाइम पर करने में तो टाइम भी ज़्यादा सेव होता है और अपन कर भी ज़्यादा पाते हैं। ये हमारा है डे फिफ्थ, सॉरी डे सिक्स। डे सिक्स में जो ये हाफ बॉडी बचे हैं वो हाफ बॉडी अपन पूरी करेंगे, सो लेट्स सी। एकदम जो है वो बेस लेयर से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एकदम एंड में भी देखेंगे तो ये बेस लेयर बहुत थोड़ी थोड़ी सी शो होगी, जहाँ ब्लैंक एरियाज रहेंगे तो वहाँ इसका लुक बहुत अच्छा और अलग आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप डायरेक्टली जो डार्क लेयर है वो करेंगे तो जो इंटेंसिटी है और जो लुक है डीपनेस है वो नहीं आएगी पेंटिंग में। सो कहीं से फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहो। ये भी हमारा डे 60 है, जैसा कि मैंने आपको बताया डे 7th में हम बैकग्राउंड करने वाले हैं, सो जो थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग लुक्स है वो मैं साइड में माउथ के पार्ट में भी देना चालू कर रहा हूँ, मतलब बहुत कम थोड़ी थोड़ी सी, और हो सकता है जो फ्रेम है वो पूरा ना हो, मैंने आपको बोला था मैं वो मेरा ट्राइपॉड बिगड़ चुका है तो इसलिए। एंड ये है हमारा फाइनल डे 7, लेट्स गो। सो आज बैकग्राउंड मेन डे,
क्योंकि जो बैकग्राउंड से है वो मेन लुक आएगा बैकग्राउंड से, और जो ऑब्जर्वेशन है वो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए रहेगी ये पेंटिंग में, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। और अभी तो पूरी फ्रेम आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड में पूरा फ्रेम चाहिए रहता है ना। तो अभी ये जो मैंने जैसा बोला कि जो फिनिशिंग के लुक हैं वो भी मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ, तो ये फिनिशिंग का भी मैंने धीरे धीरे से टचअप जो है वो चालू कर दिया है। बैकग्राउंड वैसे अभी पूरा नहीं हुआ है और ना फिनिशिंग लेयर पे लेयर अभी एड ऑन होगी, तो लेट्स सी। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट कि जो लास्ट में है वो मैं ना 3-4 पिक्चर्स अपलोड करूँगा ना सेम ये लायन की ना, क्योंकि अलग अलग लाइटिंग के हिसाब से मैंने पिक्चर्स के लिए करे हैं, तो ताकि कुछ डिफरेंशिएट टाइप का ना हो। जैसा कि मैंने बोला लेयर्स के लेयर्स के ऊपर लेयर्स करेंगे, जो लाइट एरियाज है उनको अपन बाद में एज यूजुअल यू नो सॉफ्ट पेस्टल से हाईलाइट कर देंगे। सो पेंटिंग ऑलमोस्ट हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट। सो ऐसी कुछ लग रही है पेंटिंग, मैंने जो पीस है उसको कट आउट किया है ना, जो साइड का है वो पार्ट मैंने कट कर दिया है क्योंकि वो एक्स्ट्रा था और ये पेंटिंग स्क्वायर में थी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है। एंड गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर करो इसको एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो ज़रूर फॉलो करो, लिंक इज़ गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। और बाय बाय, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी, थैंक यू।